Riteish. Oh. Good evening, everyone, and welcome to the new fair and lovely Zee Cine Awards, powered by DSK Group. Itni pyari aur itni sari audience mere samne hai. Perfect setting. Perfect for a great show. Right. So, ladies and gentlemen, main hu. Tu nahi. Main hu. Main tera senior hu. 36 awards host kar chuka hu main. Aur ye tera pehla award hai. Isliye pehle main, phir tu. Samajh gaya, junior. Nahi. Nahi? Nahi samjha. Meri pehli film aayi thi 2000 mein. क्या रिफ्यूज किया था ना पब्लिक ने फिल्म को पिक्चर का नाम क्या था रिफ्यूजी अभी तक नाम याद है सबको तेरी पहली पिक्चर आई थी 2003 में यहाँ किसी को भी याद नहीं है नाम ये देख तू ऐसा मत बोलो तुझे मेरी कसम तू ऐसा नहीं एग्जैक्टली एग्जैक्टली जिनीले एग्जैक्टली यही नाम था तुझे मेरी कसम पता है मेरी जो रिसर्च टीम है ना तीन महीने लगे उनको बस ये नाम ढूंढने में ये हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग कुछ नया करने वाले हैं ना राइट पता है हमारे कूल गुरु कूल गुरु के बारे में बात नहीं करना है सीक्रेट है सीक्रेट ऑफ कोर्स तो आज हम दोनों द रितेश एंड अभिषेक मिलकर प्रेजेंट करेंगे दुनिया का सबसे निराला शो The new fair and lovely Zee Cine Awards powered by DSK Group in AB and RD style. Bilkul. So today we celebrate your favorite, your choice, the best of Hindi cinema in 2012. Let's see, turn back. Now, look at 2012. Not literally. Oh, sorry. Here, look back, you'll know that last year we got to see the best film in the last year. तो सबसे पहले जो इस साल हमारे बेस्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं उनके नाम लेके राइट सबसे पहला जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे हल्ला मचा दिया था अग्निपथ लेकिन इस फिल्म से संजय दत्त की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा है क्योंकि संजू बाबा जैसे इंटेलिजेंट आदमी ऋतिक से पूरी पिक्चर में बार बार एक ही सवाल पूछते हैं क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा जब इस सवाल का जवाब ऋतिक ने अपनी पहली ही फिल्म में दिया था खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे राइट बेस्ट फिल्म कैटेगरी में नेक्स्ट नॉमिनी है पान सिंह तोमर कहानी है एक ऐसे एथलीट की जो डकैत बन जाता है जी हाँ और ये पिक्चर बहुत ही रियलिस्टिक है इस साल एक और फिल्म नॉमिनेट हुई है बर्फी Ladies and gentlemen, Barfi, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सुन नहीं पाता, जो बोल नहीं पाता, लेकिन लड़कियाँ अच्छी तरह पटा लेता है। क्योंकि पता है क्यों ना? हर बीवी यही चाहती है कि वो बस बातें करे और पति बस सुनता रहे। इस कैटेगरी के अगली नॉमिनी है इंग्लिश विंग्लिश। What a film, English Winglish. Shri Devi Ji has given a better performance in her comeback film. I really hope that Shri Devi Ji has made a sequel to this film. In which she will teach my Bol Bachchan Ajay Devgan to teach 2-3 English dialogues. Why? Ajay's English was so good. What was the problem? Really? Yeah, perfect. Okay. Say in English, Naach na ave, angan teda. कितना सिंपल है डांसिंग नो नॉट कोर्टयार्ड जिगजैग यू नो शायद श्रीदेवी जी को एक और सीक्वल बनाना चाहिए सिर्फ तुम्हारे लिए तू मुझे बोल रहा है ना मंकी नॉट नो टेस्ट ऑफ जिंजर आई नो लेकिन मूविंग ऑन एक और बहुत ही धमाकेदार फिल्म जो नॉमिनेट हुई है कहानी मैं बहुत ही खुश हूँ कि कहानी इस साल नॉमिनेट हुई है क्योंकि फिर अभी कोई नहीं बोल सकता कि बॉलीवुड में स्टोरी की इम्पोर्टेंस नहीं है। यू नो सुजॉय ने कहानी के पहले एक और फिल्म बनाई थी अलादीन। और काफी लोगों का ये मानना है कि अलादीन इसलिए नहीं चली क्योंकि उसमें कहानी नहीं थी। लेकिन कहानी इसलिए चली क्योंकि उसमें अलादीन नहीं थे। ये थे इस साल के नॉमिनेटेड फिल्म्स
लेकिन 2012 में हमें और भी कई बेहतरीन फिल्में देखने को मिली, जैसे जब तक है जान. आई लव दैट फिल्म, जब तक है जान. शाहरुख खान, कैटरीना एंड अनुष्का शर्मा, माय फेवरेट. व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मर. एब्सोल्युटली जबरदस्त, सचमुच ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. बट शी इज कम अ रियली लॉन्ग वे अनुष्का, इफ यू थिंक अबाउट इट. पहली फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी, जिसमें वो थी एक बबली पंजाबी गर्ल. राइट. फिर आई बैंड बाजा बारा, जिसमें थी वो बबली पंजाबी गर्ल. और फिर जब तक ये जान में बबली पंजाबी गर्ल. मूविंग ऑन, साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर. मुझे करण जौहर की फिल्में बहुत पसंद है. रियली, देयर इज सो मच ऑफ लव. प्यार ही प्यार विद अ मैसेज. प्यार विद अ मैसेज. हाँ, जैसे करण जौहर की फिल्म थी कुछ कुछ होता है. Right. दोस्तों से प्यार करो. कभी खुशी कभी गम. परिवार से प्यार करो. Okay. कल होना हो पड़ोसी से प्यार करो. Okay. कभी अलविदा ना कहना, पड़ोसी की बीवी से प्यार करो. स्टूडेंट ऑफ द ईयर, दोस्त की गर्लफ्रेंड से प्यार करो. यानी प्यार करो तो खाली हाथ कभी नहीं जाओगे. राइट. वाह वाह. 2012 छोटी फिल्मों के लिए भी काफी अच्छा साल रहा. फॉर एग्जाम्पल विकी डोनर. यस, विकी डोनर, जिसमें आयुष्मान एक स्पर्म डोनर के रोल में दिखे थे. या फिल्म में अन्नू कपूर भी थे. थैंकफुली उन्होंने डोनर का रोल नहीं किया. क्यों? क्योंकि उनके डोनेशन से पैदा होने वाले बच्चों के नाम क्या होते? दीवाने, परवाने, मस्ताने, बेगाने, अनजाने, रेणुका, शाहने. Enough, याद है हमारे कुलगुन ने हमें क्या सिखाया था कि 2-3 जोक से ज्यादा मत करो, ऑडियंस बोर हो जाती है. तो आप जानते हैं कि ये जानते हैं हमारे कुल गुरु कौन है? नाम छोड़ो, काम पे ध्यान दो. काम पे, काम. अरे हम दोनों से ज्यादा काम कौन करता है इंडस्ट्री में? जितना हम काम करते हैं और कोई नहीं करता. और इनफैक्ट बिगड़े हुए काम हम लोग बनाते हैं. एंड दैट्स द रीजन कि आज का शो दूसरे घिसे पीटे शो से एकदम अलग होगा. टोटली डिफरेंट. Take a look. हम ये शो सिर्फ होस्ट नहीं कर रहे, बल्कि क्रिएट भी कर रहे. Great, great, exactly. As we told you, हमने सब कुछ अपने आप ही किया है. इन्हीं हाथों से. हाथ दिखा. अवार्ड शो का आलीशान सेट जो है ना, ये भी हमने इन्हीं हाथों से खड़ा किया है. सचमुच. तेंदुलकर से सेंचुरी बनवा लो, लेकिन भजिया थोड़ी तल पाएगा. हाँ,
What he means to say is, हम जैसे intellectual लोग मामूली कामों के लिए नहीं बने हैं, तो हमने सेटवेट बनाने का idea drop कर दिया है और चल पड़े हैं अपनी असली करामात दिखाने। देखिए हमने दीपिका के एक्ट में कैसे कैसे स्पेशल इफेक्ट्स किए हैं, you'll be blown away. दीपिका के हाथ में कॉकटेल ही अच्छा लगता है, कॉफी नहीं। Yes. Well, आपने देखा कि दीपिका के परफॉर्मेंस पर हमने कितनी मेहनत की है, तभी तो आज दीपी का कॉफी से भी ज्यादा हॉट नजर आएगी। हाँ, बच के रहना, जल जाओगे। हम तो ऑलरेडी जल चुके हैं।